स्वागत है SPN 9 न्यूज में। आज बात करेंगे पंजाब को लेकर। देखिए, एक तरफ पंजाब में जहां कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मांगा गया और अब पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से सिद्धू खेमा जो है वो काफी खिसियाया हुआ है और फिर से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो है वो आग उगलने की जो है वो शुरुआत कर दी है। और इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साक्षी, सबसे पहले देखा गया कि जैसे ही पंजाब में कांग्रेस हारती है, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मांगा जाता है और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा भी दे देते हैं, लेकिन अब जो है अब नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, अब नए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की कमान जो है कांग्रेस प्रदेश की कमान वो अमरिंदर सिंह बरार के हाथों में सौंप दी गई है। इस पर अब सिद्धू खेमा जो है वो नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि ये नाराजगी जायज है? क्योंकि देखिए, सिद्धू जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने सिद्धू को भी मौका दिया था, प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया था, संभालने के लिए दिया था, इलेक्शन में भी सिद्धू को यहाँ देखा गया अहम भूमिका मिली थी, लेकिन यहाँ पर सिद्धू उल्टा कांग्रेस पर ही पलटवार करते हुए नजर आए थे। तो आपको लगता है कि अब सिद्धू या उनका खेमा जो है इस पोजीशन में है कि अब अमरिंदर सिंह बरार पर वो उंगली उठा सके? देखिए, जिस तरह से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है और एक बहुत बड़ा बौखलाहट इस्तीफा देने के बाद होती है, जिस तरह से किसी से इस्तीफा मांगा जाता है, यानी नवजोत सिंह सिद्धू की मैं बात करूं, पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, इस्तीफा देने के बाद अब कुछ ना हाथ में रहना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि आसानी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे के बाद अब जो नजारा देखने को मिल रहा है, सिद्धू खेमे से जो बौखलाहट देखने को मिल रही है, जो नफरत देखने को मिल रही है, वो साफ तौर पे जता रही है कि किस तरह का दुख और निराशा उनको है कांग्रेस को लेकर या किसी भी चीज को लेकर जो हुई है वो अब देखने को निकल रही है। वहीं उनका गुस्सा फूट रहा है, वहीं सिद्धू कभी ताने मार रहे हैं, कभी किस चीज पे तंज कस रहे हैं, तो एक अपनी सीट जाने का जो दुख होता है वो अब सामने दिखाई दे रहा है जी। लेकिन जब उनके पास ये सीट थी, जब मौका था, तब तो सिद्धू कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिए, उल्टा अपने पार्टी को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो लगता है कि आपको कि सिद्धू इस पोजीशन में है कि अब वो अमरिंदर सिंह बरार पर उंगली उठा सके? देखिए, अमरिंदर सिंह बरार जो है वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है अब पंजाब में, लेकिन अब फिर से जो है सिद्धू खेमा इस बात से नाराज है और लगातार जो है वो अमरिंदर सिंह बरार पर उंगलियां उठा रहा है, उन्हें नौसिखिया बता रहा है, साथ ही भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहा है। तो एक तो आप सेम पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, और अब कांग्रेस के खिलाफ फिर से आवाज उठा रहे, तो इससे आप किस तरह से देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं अमरिंदर सिंह बरार की बात करूंगी। जैसे उन्हें ये मौका मिला है तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस देखकर भी हम ये कह सकते हैं कि वो अपना कार्य सही से निभा सकते हैं, और सिद्धू की अपनी जगह इस तरह की निराशा ठीक है अगर इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। पहली बात तो कार्य अगर आप सही नहीं करेंगे तो पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। ऊपर से कांग्रेस को जरूरत भी थी कि अपने थोड़े मंत्री बदले, कहीं ना कहीं जो कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि कांग्रेस में किसी तरह गिरती चली जा रही है कांग्रेस के मंत्रियों की वजह से, कांग्रेस के अध्यक्ष की वजह से, कहीं चेहरे जो है वो सही नहीं है, जो जनता कहीं ना कहीं पसंद नहीं कर रही। इस वक्त कांग्रेस को जरूरत थी इस तरह के बदलाव की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू अपने सीट से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पर भड़के, तो वो अपने ही काम की वजह से भड़के हैं, जो उनका कार्य रहा है, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, क्योंकि जिस तरह से जनता को सिद्धू के कार्य की जरूरत थी वो नहीं मिली। कहीं ना कहीं एक प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्य होता है वो जनता के काम को देखने का होता है, जनता के बारे में सुनने, जनता की बात सुनने का होता है, क्या दुख है, क्या पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। पर नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं भी इस तरह के कार्य करते हुए नहीं देखा गया। तो आपने अपना कार्य तो नहीं किया, पर आप भ्रष्टाचार की बात किसी और पे कहते हैं, किसी और को भ्रष्टाचार के लिए तंज कसते हैं, बार बार उन चीजों को उनके लिए बोलते हैं कि वो ऐसा काम करेंगे, लेकिन आप एक बार उनका एक्सपीरियंस तो देखिए कि वो किस तरह से कार्य करके आए हैं। वो विधायक रह चुके हैं और अब जब उनसे उम्मीद लगाई गई है तो जरूर अमरिंदर अब ऐसा कार्य करके दिखाएंगे जो सिद्धू वहां रहते नहीं करे, क्योंकि ये देखने वाली जनता जनता ही चीजें देखेगी जी। यहाँ पर जनता जो है इस चीज का फैसला करेंगी, और साथ ही अगर सिद्धू अगर इस खेमे को संभाल रहे थे तो उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कांग्रेस का कार्यभार उन्हें सौंपा गया था, कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर थी, लेकिन वो तो उल्टा जो है वो कांग्रेस पर ही निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ आग उगलते हुए दिखाई दे रहे थे, और अब जब उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है तब उनके खेमे का गुस्सा फूट रहा है, अब नए अध्यक्ष को बनाया गया है, तो यहाँ पर
सिद्धू खेमे का कहना था कि सिद्धू को ही जो है वो इस अध्यक्ष पद को सौंप देना चाहिए। तो क्या आप लगता है कि सिद्धू इस लायक है कि दोबारा से कांग्रेस उन पर भरोसा कर सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप अपने ही पार्टी पे इस तरह से पलटवार कर दे, जब कोई इंसान या कोई मंत्री अपने पद से हटा गया हो उसके बाद वो अपने ही पार्टी की इज्जत ना करे, तो कैसे आप उस पर अनुमान लगा सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के अब वापस आने पर इज्जत करेगा। देखिए आप वहां से इस्तीफा दे चुके हैं, आपने इस्तीफा दिया, आप वहां से हट गए, अब आप उसके पद के लायक नहीं है, लेकिन उस पद पे जब किसी और को चांस मिला तो आप उस पर इस तरह के तंज कस रहे हैं, उसके बाद उस पार्टी पर तंज कस रहे हैं जिस पार्टी पे आप के थ्रू आप काम कर रहे हैं। तो पार्टी को मौका नहीं देना चाहिए कहीं ना कहीं उस मंत्री को, क्योंकि अगर पार्टी के बारे में ऐसा बोल रहा है तो सोचिए कि जनता के बारे में वो इंसान कैसा बोलेगा। कहीं ना कहीं जनता को भी ये चीजें दिखती हैं कि जब आप अपनी पार्टी की कदर नहीं करते तो आप जनता की किस तरह से कदर करेंगे, क्योंकि आप कार्य तो कर नहीं रहे, उसके साथ आप पार्टी के साथ इस तरह से अपनी बौखलाहट में आप पार्टी पर गुस्सा उतार रहे हैं, इस तरह का काम करना कहीं ना कहीं गलत है और मौका देना भी गलत ही होगा। जी यहाँ पर साक्षी का कहना है कि दोबारा से सिद्धू पर भरोसा करना, उन्हें दोबारा मौका देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए गलत साबित होगा। और ये चीजें देखिए पहली बार भी जो है कांग्रेस ने सिद्धू पर भरोसा दिखाया था, लेकिन 2022 के पंजाब इलेक्शन में सिद्धू ने ये भरोसा तोड़ दिया जब वो पार्टी के खिलाफ ही बोलने लगे। इलेक्शन इतना क्रूशियल मूवमेंट होता है, इलेक्शन के टाइम पर किस तरह से सारी पार्टी अपने सारी जो नेता होते हैं सारे नेता अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धू जो थे अपने ही पार्टी पर हमला करते हुए दिखाई दिए, पलटवार करते हुए दिखाई दिए। और अब जब सोनिया गांधी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है तो उन्होंने खुशी खुशी इस्तीफा भी दे दिया, और उसके बाद अब नए अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसे सिद्धू ने बधाई भी दी है। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धू का जो खेमा है, सिद्धू के जो सपोर्टर्स है, वो इस बात से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। तो साक्षी आपको क्या लगता है कि अमरिंदर सिंह बरार के हाथों में अब पंजाब की कमान सौंपी गई है और अब उनके हाथों में पंजाब का कार्यभार कांग्रेस ने दिया है, तो आपको लगता है कि अमरिंदर सिंह बरार जो है कुछ बदलाव लेकर आएंगे पंजाब में? जी, जिस तरह से अभी हमने कार्य देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक जितना भी कार्य किया उसके अकॉर्डिंग अब अमरिंदर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आना ये भी जायज है, ये भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का काम नहीं दिखा, इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और किसी और यानी कि अमरिंदर को यहाँ पर लाना पड़ा। तो अब जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से वो विधायक रहे हैं, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि उनका कार्य कैसा रहेगा। हालांकि जिस तरह से उन्हें अब बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो उम्मीद जारी है कि वो अच्छा काम ही करेंगे और कहीं ना कहीं जनता को भी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, तो वही देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके लिए अब फैसला तो जनता ही लेगी कि उनको उनका कार्य कैसा लगता है। अगर वो नहीं सही कार्य करते तो फिर उस पार्टी को दूसरा कोई निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन आप पहले हम वही देखेंगे कि उनका अब कार्य कैसा। जी यहाँ पर अब अमरिंदर पर सबकी निगाहें होंगी, कांग्रेस भी अब उन पर भरोसा जता रही है, तो अब वो किस तरह से कांग्रेस को पंजाब में लीड करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ साक्षी सिद्धू खेमे की बात कर ले तो सिद्धू खेमे ने अमरिंदर को घेरे में लिया है, लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग। उनका कहना है कि वो नौसिखिए हैं, वो भ्रष्टाचार व्यक्ति है और वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए जिस तरह से उन पर बार बार इल्जाम लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये गुस्सा निकल रहा है वो सिद्धू की तरफ से निकल रहा है। जिस तरह से सिद्धू को रिप्लेस किया गया और रिप्लेस करने के बाद अमरिंदर को वहां पर बैठाया गया, तो एक गुस्सा जहां पर ये चीजें निकलती है कि जिसको अब मौका मिला है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर चुका है, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है, डिजर्व नहीं करता, ये चीजें होती हैं, तो उनको लेकर वो गुस्सा वहां निकल रहा है सिद्धू खेमे का। और वो भी अपनी जगह जायज है, जब अपनी सीट अपने हाथ से जाती है तो ये चीजें सामने आती है, लेकिन अपनी पार्टी को इस तरह से बुरा बोल देना, पार्टी पे इल्जाम लगा देना, वो थोड़ा गलत बात हो जाती है। जी यहाँ पर खुद की पार्टी पर हमला करना जहाँ सामने देखा जा रहा है, विपक्ष खेमे की बात कर ले तो यहाँ पर इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और अब कांग्रेस को मजबूती से जो है पंजाब में उतरना पड़ेगा, और इस वजह से अमरिंदर सिंह बरार को है ये कमान सौंपी गई है पंजाब कांग्रेस की। और अब देखने लायक होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद वो किस तरह से पंजाब में काम करते हैं, क्या कांग्रेस की जो छवि है पंजाब में उसे सुधार पाने में उनका क्या भूमिका रहेगा, वो किस तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए साक्षी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।